एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, अभी सुबह का टाइम था तो मैं पर्दे वगैरह खोल रही थी। सुबह सुबह की सनलाइट घर में आती है ना, तो बहुत अच्छा सा और फ्रेश फ्रेश सा लगता है। और अभी तो मेरे घर में बहुत अच्छी सी सनलाइट आती है सुबह सुबह तो बस की। अभी मैंने अपने लिए चाय बनाई है और साथ ही ना मैं लिस्ट बना रही थी कि कौन कौन सी चीजें मुझे मॉल से लानी है। एक बार मैंने आप लोगों से शेयर किया था ना कि यहाँ पर एक हरिदास नैन्सी बोल के एक शॉप है, वहां पे सभी इंडियन चीजें मिलती है। तो जो जो चीजें मुझे लेनी थी मैं उसकी लिस्ट बना रही थी। वैसे मैं पेपर पे भी लिख लेती हूँ, पर जब मैं बाहर जाती हूँ ना तो मैं पेपर लेना भूल जाती हूँ। तो इसीलिए मैंने एक ऐप डाउनलोड किया अपने फोन में जो कि है नोटपैड, और उसी में मैं लिख और लेती हूँ। बाहर जाते समय तो मेरा फोन मेरे साथ ही होता है, और जब मुझे कोई चीज नहीं याद आती तो फिर मैं फोन में चेक कर लेती हूँ, और इस तरह से फिर मैं कोई भी चीज नहीं भूलती। और आज ना मैं अपने इस पैसेज एरिया की थोड़ी सी क्लीनिंग करने वाली थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि किस तरह से मैंने इस जगह को यूटिलाइज किया है, किस तरह से इसको डेकोर किया ये है। जगह मेरे किचन के बिल्कुल सामने की है, तो यहाँ पे ना मैं बहुत बड़ा फर्नीचर नहीं लगाना चाहती थी, कुछ स्लिम सा फर्नीचर चाहती थी। तो ये आइकिया की शू रैक है, सो ये मुझे यहाँ के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगी। बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, स्लिम सी है, और ये बिल्कुल दीवार से लग के होती है तो बहुत ज्यादा जगह भी नहीं तो लेती। अभी बस मैं इसको थोड़ा सा साफ कर रही थी। महविश ने इसके ऊपर कई कई पेंसिल चला दी है। महविश ऐसे ही करती है आजकल, अगर उसके हाथ पेंसिल लग जाए ना तो वो दीवार फर्नीचर कुछ नहीं छोड़ती, सब जगह ही वो लिख के रख देती है। तो इसको बस मैंने भी साफ किया। वैसे तो मैं पूरा ध्यान रखती हूँ उसके ऊपर, पर फिर भी अगर उसके ऊपर से हमारी नजर हटी तो फिर दुर्घटना घटा ही देती है वो। और अभी ना मैंने इसमें शूज वगैरह कुछ नहीं रखे हैं, क्योंकि हमारे शूज का कलेक्शन इतना ज्यादा है कि अगर मैं उसमें रखूंगी तो मुझे दो तीन शू रैक लेनी पड़ेंगी। तो बस मैंने उसमें वैसी चीजें रखी है जो कि मैं महविश की पहुंच से दूर रखना चाहती हूँ, क्योंकि महविश को अभी उसे खोलना नहीं आता है। यही एक है जो महविश के हाथों से बचा हुआ है, वरना सारी ही चीजें महविश अलट पलट करके ऑर्गेनाइज करते रहती है। अच्छा जी, अभी कुछ दिनों पहले ही मैं अपने घर में कुछ रियल प्लांट लाई हूँ। मुझे बड़ा शौक आ रहा था कि मैं अपने घर में रियल प्लांट्स लगाऊं, तो मैंने कुछ प्लांट्स खरीदे हैं। और मैंने एक वीडियो में भी देखा था कि हमें घर में आर्टिफिशियल प्लांट्स नहीं लगाने चाहिए, रियल प्लांट्स लगाने चाहिए। ये हमें गुड एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, फुल ऑफ एनर्जी देते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी अपने घर में प्लांट्स लगाती हूँ, वो भी रियल वाले। बट इस बात के पीछे रियलिटी कुछ और ही है। जो प्लांट्स होते हैं ना, वो हमें एनर्जी तभी देते हैं, जब भी हमें गुड वाइब्स देते हैं, जब वो ग्रो कर रहे होते हैं। और जब वो जल रहे होते हैं तो आपको बहुत बुरा फील होता है, आपको डिप्रेशन आता है कि हमारे प्लांट्स क्यों ग्रो नहीं हो रहे। तो जिनसे मैंने लिया था उन्होंने मुझे कहा था कि आप घर पे ले जाने के बाद में इन्हें आराम से एक कोने में रख देना, थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज होने के लिए टाइम लगता है प्लांट्स को, और अगर हम डायरेक्टली इन्हें रिपोर्ट कर देना तो फिर ये जल तो अब जाते इनको लाए हैं। हुए मुझे 1 वीक हो गया है। मैंने इन्हें बस इनकी जगह पे ही रख दिया था, और आज मैं इन्हें ढेर सारा पानी भी दूंगी, और साथ ही ना इसके लीव्स भी मैंने साफ कर दिया, और इसको प्यारा सा एक छोटा सा पत्ता खुलने वाला है। इंशाल्लाह मैं ये आप लोगों से शेयर करूंगी और अगर इंस्टाग्राम। अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और ये जो फ्रेम्स है तीनों, ये मैंने तेमू से ऑर्डर की थी, और मुझे इस तरह से यूनिक डिजाइन वाले पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगती है। ये ट्रेंड में भी बहुत है आजकल, तो आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पे इस तरह की पेंटिंग देखी होंगी। तो ये वाली जगह इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट थी, तो मैंने इसे यहाँ लगाया है। और लिविंग रूम में से ये देखने पे कैसा लगता है मैं वो भी आप लोगों को आगे बताऊंगी। यहाँ से बिल्कुल सीधे जाने पर मेरा किचन है, जिसमें आप लोग मुझे कुकिंग करते हुए देखते हो। और दोनों प्लांट्स मैंने यहाँ पे साइड में रख दिए हैं, और ये है इसकी कुछ फाइनल मैंने रो। आपको बताया था कि मेरे फ्लैट में कुछ मेंटेनेंस के काम हो रहे थे, तो ये डोर का काम अभी भी थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा वॉल का कलर खराब हो गया था, और वो सामने जो आप देख रहे हो वो मेरी चिमनी खराब हो गई थी, उन्होंने उसको चेंज किया है। अभी तक मैंने उसका स्टिकर नहीं निकाला है,
मैं अभी उसे रिमूव करूंगी। और इधर से राइट साइड में जाए तो ये मेरा लिविंग रूम है, जहाँ पे आप लोग हमें अक्सर देखते हो, मेरी वीडियोस देखते हो, मैं कुछ भी यहाँ पे अक्सर शूट भी करती हूँ। तो ये वाली जो वॉल थी, इसके ऊपर मैंने यासीन और चारकोल वाला था एक फ्रेम, वो मैंने लगाई है, मुझे अच्छा लग रहा था ये, तो मैंने इस साइड पे ये लगाया है। और लिविंग रूम में जब कोई भी बैठता है सोफे पे, सोफे को यूज करता है, तो वहां से ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और कल हम लोग गए थे डिस्काउंट मार्केट, बस ऐसे ही थोड़ा घूमने के लिए ही गए थे। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बच्चों को भी अगर घुमाना हो तो फिर हम लोग मार्केट या फिर मॉल वगैरह ही इनको लेके चले जाते हैं। तो वहाँ पे फिर मुझे वो बड़े साइज़ का मिरर बहुत अच्छा लगा, और कब से ही मैं सोच रही थी कि अपने लिविंग रूम में एक बड़ा सा मिरर लूंगी, पर महवेश गिरा देंगी, इस डर से मैं नहीं ले रही कल थी। जब हमने इसे देखा तो ये बिल्कुल हमारे लिविंग रूम के लिए बिल्कुल इसकी परफेक्ट साइज थी, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि ले लेते हैं, महवेश पे मैं थोड़ा ध्यान रख लूंगी। तो मैंने उसे अपने लिविंग रूम के कॉर्नर में लगाया है, और अभी बस मैं बच्चों के लिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बना रही थी। ब्रेकफास्ट में मैंने सिंपल टोस्ट किया है और इनको पीनट बटर के साथ दूंगी, और साथ को भी दूध दूंगी। बस अपने लिए मैंने कॉफी बनाई है, और यही बस अभी हम नाश्ता करेंगे। बच्चों के लिए ना मैं आजकल हैवी नाश्ता कुछ नहीं बनाती, गर्मी इतनी ज्यादा है कि किचन में मेरा खड़े रहने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता, तो बस ऐसे ही सिंपल सा कुछ बना लेती हूँ और फिर डायरेक्ट मैं इनको लंच ही करवाती हूँ। अभी वेकेशन चल रहा है तो मोहम्मद साहब तो लेट ही उठता है, बस महविश अगर कभी कभी जल्दी उठ जाए तो फिर एक दूध की बॉटल पी के वो दोबारा से 2 घंटे की नैप ले लेती है अपनी। आज बस हम महविश को वैक्सीन लगवाने के लिए भी लेके जाने वाले थे, क्योंकि आज महविश का डेढ़ साल का जो वैक्सीन होता है वो था आज, और इसका ना वैक्सीन हम कभी भी मिस नहीं करते, इसको हमने पूरे वैक्सीन लगवाए हैं। कुछ लोग होता है कि नहीं लगवाते बच्चों को वैक्सीन, बट बच्चों को वैक्सीन लगवानी चाहिए, बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। आजकल तो इतने वायरस आ रहे हैं और बच्चे इतने जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, तो वैक्सीन लगवाना जरूरी है, क्योंकि फिर वैक्सीन लगवाते हो ना तो आपके बच्चे हर छोटी मोटी बीमारियों से ना प्रोटेक्ट रहते हैं। तो महविश की वैक्सीनेशन के लिए हम लोग गए थे। यहाँ पे जो वैक्सीन होते हैं ना, उसके लिए आपको पहले फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसके बाद ही आप वैक्सीन लगवा सकते हो। हमारे इंडिया की तरह ये लोग डायरेक्ट वैक्सीन नहीं देते हैं बच्चों को। तो पहले हम लोग हॉस्पिटल गए थे, महविश का एक फिटनेस सर्टिफिकेट हम लोगों ने लिया, और उसके बाद में फिर वैक्सीन जहाँ पे लगती है वहां जाके महविश को वैक्सीन लगवाई। और मैं कोई भी वीडियोस नहीं शूट कर पाई, वहां पे क्लियर लिखा होता है हॉस्पिटल में कि आप वीडियो नहीं शूट कर सकते। और पहले तो महविश जब जाते थे वैक्सीन लगवाने के लिए तो उसे इतना नहीं समझ आता था, बट अब तो वो डॉक्टर को देखते ही रोना शुरू कर देती है तो उसे संभालना भी पड़ता है। तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, और अभी हम लोग वापस आए हैं तो हम लोग हॉट बर्गर से बच्चों के लिए हमने सैंडविच लिया था, बर्गर लिया था, और हमारा जो फेवरेट वाला है, यहाँ से हम फ्रूट फालूदा जरूर लेते हैं, आप लोग भी जरूर ट्राई करना, ये यहाँ की हॉट बर्गर शॉप है, वहाँ पे ये खत्म किया अपना। और अब घर हम जाने लगे तो फिर हमें ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी दो कैट्स यहाँ पे मिल गई, और मम्मा साद को तो कैट्स और पेट्स बहुत पसंद है साद को, तो महविश को भी बड़ा अच्छा लग रहा था। शायद महविश ने इससे पहले कैट देखी है, पर इस बार उसने पहली बार उनको हाथ लगाया है, तो मैं भी उसे हाथ लगाने दे रही थी, थोड़ा ऑब्जर्व करने दे रही थी कि कैट कैसी होती है पर उस कैट ने महविश का फ्रॉक खराब करना शुरू कर दिया।
बस मैं डिनर की तैयारी करूंगी। आज डिनर में मैं बना रही हूँ चपली कबाब और साथ ही मैं थोड़ा सा वेज पुलाव बनाऊंगी। तो इसके लिए खीमे को ना पहले ही मैंने अच्छे से वॉश करके इसका सारा पानी निचोड़ दिया है, क्योंकि मैंने जो रेसिपी देखी थी उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो डायरेक्ट खीमे को यूज कर रहे थे, पर मुझे तो बड़ी आदत है, मैं हर चीज को बार बार धो के यूज करती हूँ। तो मैंने धो लिया था खीमे को और उसका मैंने फिर पानी दबा दबा के सारा पानी निचोड़ दिया। और इसके अंदर अब मैं जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ वो मैं आपको साइड में मेंशन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी अगर आप लोग देखना चाहते हो तो। और इसके अंदर जो भी चीजें डालनी थी वो डाल के अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया। और अब इसको ना मैं स्मोक लगाऊंगी, जैसे जो स्मोक होता है ना वो लगाने से बहुत अच्छा सा बाहर, जैसे हम खाते कबाब और समोसे से कबाब वगैरह, तो बिल्कुल उस तरह का टेस्ट आता है। ये जरूर लगाना है आपने अगर आप चाहते हो कि स्मोकी सा टेस्ट आए। बट अगर आप सीख पे बना रहे हो, कोयले पे ही आपने फ्राई करना, सॉरी आपने इसको पकाना है, तो फिर आपको स्मोक लगाने की जरूरत नहीं है। बट मैं तो इसको पैन में ही बनाने वाली थी तो फिर मैंने इसके अंदर स्मोक लगाया था और इससे सच में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो पहले जब मैंने जो चपली कबाब थे मैंने उनकी पहली बैच फ्राई की तो वो चिपक रहे थे नीचे, तो फिर इसके अंदर फिर मैंने एक एग तोड़ के डाल दिया और अच्छे से इसको मिक्स किया, तो फिर चपली कबाब अच्छे बनने लगे। मेरे साथ में होता है कभी कभी मैं गड़बड़ कर देती हूँ पकाते हुए, कुछ कुछ चीज़ों में गड़बड़ हो जाती है, हम हर बार एक जैसा बिल्कुल परफेक्ट नहीं कर सकते सब कुछ। पहले जब भी मैं कुछ भी गड़बड़ करती थी तो मुझे बड़ा मसला होता था, मैं डर जाती थी कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो सारी रेसिपी ख़राब हो गई। पर अब मैंने सीख लिया है कि अगर कोई डिश ख़राब हो जाए या फिर कुछ पकाने में गड़बड़ हो जाए खाना, तो उसे किस तरह से हैंडल करना है और उसके अंदर क्या चीज़ें डालने से वो परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बस अपने चपली कबाब जो है वो रेडी कर लिए हैं और साथ ही पुलाव भी मैंने फटाफट ही बना लिया था पीछे के गैस पे। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, आई एम श्योर आप लोगों को अच्छी वीडियो जरूर अच्छी लगी होंगी। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिए और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए डेली अपडेट्स के लिए। और यही अपनी वीडियो को मैं एंड करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।